और अब हमारी अगली रिपोर्ट में आपको हम यूरोप की आयरन लेडी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने व्लादिमीर पुतिन को हुए नुकसान में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। दरअसल पुतिन के लिए इतने खतरनाक ज़ेलेंस्की और बाइडेन भी साबित नहीं हुए जितना यूरोप के इस आयरन लेडी को लेकर पुतिन परेशान हैं। ज़ेलेंस्की पूछ रहे हैं ये कौन है, जो बाइडेन पूछ रहे हैं ये कौन है, बोरिस जॉनसन पूछ रहे हैं ये कौन है, और सबसे ज्यादा सवाल तो व्लादिमीर पुतिन के पास है। क्योंकि दुनिया इस महिला को यूरोप की आयरन लेडी कहने लगी है, वो महिला जो इस वक्त पुतिन के खिलाफ यूरोप की सबसे बड़ी दीवार बनने को तैयार है। आखिर कौन है ये महिला, क्या ताकत है ये? ऐसे वक्त में जब यूक्रेन में पुतिन का गुस्सा दुनिया ने देखा, हजारों लाशों को देखा, नई सदी में सबसे बड़ी तबाही का मंजर देखा, जब पुतिन यूक्रेन और यूरोप में सब कुछ रौंदने और समतल करने के लिए तैयार हैं, तब रूस की फौज को सबसे बड़ी टक्कर देने के लिए यह महिला आगे आई है। आखिर यह महिला इस वक्त पुतिन को सबसे आगे बढ़कर क्यों ललकार रही है? ऐसी टक्कर जो ना बाइडेन दे पाए और फेल हो गए, ऐसी टक्कर जो ना बोरिस जॉनसन दे पाए और नाकाम हो गए, ऐसा मुकाबला जिसकी बराबरी ज़ेलेंस्की नहीं कर पाए। किसी भी लीडर की हिम्मत नहीं हुई कि वो पुतिन के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर रूस को ललकारे, रूस के सामने खड़ा होकर बोले। यही वजह है कि ये महिला इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। ये है काया कैलस, यूरोप के एक बहुत छोटे से देश एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काया कैलस इस वक्त यूरोप आयरन लेडी के नाम से मशहूर हो चुकी हैं। I think that Vladimir Putin has to be isolated politically on all the levels, because what we see in Ukraine, why there are more civilian casualties than there are military casualties, is because they are targeting the civilians. Kaya Kallas ki himmat is waqt world headline ban rahi hai. वो जो कह रही हैं उसे नेटो से लेकर यूरोपीय यूनियन और दुनिया सुन रही है। ब्रिटेन के न्यूज स्टेट्समैन ने काया कैलस को आयरन लेडी बताया है। टाइम की यह खबर देखिए, काया कैलस ने पूरे यूरोप को आईना दिखाते हुए कहा कि पुतिन के खिलाफ जितना लड़ना चाहिए वो लड़ाई नहीं की जा रही। ब्रिटेन के द गार्डियन ने काया कैलस का बयान छापा कि पुतिन सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। यह हेडलाइन देखिए, काया कैलस कह रही है कि रूस को यूक्रेन से बाहर खदेड़ देना चाहिए। This is not the end. We should not forget what he has already done to Ukrainian people. Because if we go back to business as usual with President Putin, then his appetite will only grow. जब यूक्रेन मारियोपोल हारने के बाद कई शहरों पर हमले झेल रहा है, जब रूस के टैंक डोनबास रीजन में लगातार चढ़ाइयां करते जा रहे हैं, जब यूक्रेन में ज़ेलेंस्की अलग थलग पड़े हुए हैं और नेटो सीधे तौर पर दखल देने से पीछे हट गया, पुतिन की मिसाइलों के आगे बाइडेन ने भी हार मान ली, तब काया कैलस ने पुतिन को सीधे चैलेंज कर दिया है। काया कैलस एस्टोनिया की प्रधानमंत्री हैं और उनका पुतिन को ललकारने का मतलब क्या है, इसे आप बहुत गौर से समझिएगा। उनके देश के साथ आपको उनकी हिम्मत का अंदाजा हो जाएगा। एस्टोनिया एक बाल्टिक देश है जिसकी आबादी भारत के किसी छोटे शहर से भी कम है, करीब 13.5 लाख। एस्टोनिया का क्षेत्रफल हरियाणा से बस थोड़ा सा ज्यादा है, 45,340 वर्ग किलोमीटर। मैप पर देखेंगे तो इसकी रूस से करीब 300 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है।
यानी इस पर भी खतरा यूक्रेन जैसा है। अब अंदाजा लगाइए कि पुतिन के सामने रूस, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसके सामने एस्टोनिया की क्या हैसियत। जिस रूस में एस्टोनिया जैसे 377 देश समा जाए, उस पुतिन के देश की ताकत से ना घबराकर यूक्रेन पर पुतिन के हमलों से बेफिक्र होकर एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काया कैलस ने रूस को फेस टू फेस चैलेंज करने का इरादा रखा हुआ है। Russia is fighting the war in Ukraine because it does not want freedom and democracy to prevail. There is no way we can let aggression pay off. Ukraine must win this war. Until Ukraine hasn't won, we haven't done enough. इस वक्त एस्टोनिया का यूक्रेन युद्ध में क्या योगदान है, वो भी बहुत गौर से देखिएगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये छोटा सा देश इस वक्त पुतिन को टक्कर देने के लिए जेलेंस्की की कितनी मदद कर रहा है। एस्टोनिया ने यूक्रेन की मदद करने के लिए अपने रक्षा बजट का एक तिहाई हिस्सा जेलेंस्की को मदद के लिए भेज दिया है। यानी रूस को रोकने के लिए जो ताकत जेलेंस्की ने झोंकी हुई है, उसमें एस्टोनिया के रक्षा बजट का 33% बजट भी शामिल है। रूस के टैंकों को रोकने के लिए जो ताकत यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, उसमें एस्टोनिया की तरफ से बड़ी मदद की जा रही है। We definitely have to help Ukraine with all the means that we can. Military aid, we can give them. We have given, as Estonia, a very small country, we have given a lot over 200 million, which is for our 1.3 million people a lot. But bigger countries can do more. देखा जाए तो रूस को रोकने के लिए जेलेंस्की की फौज जो युद्ध लड़ रही है, वो पूरी तरह खैरात पर लड़ा जा रहा है। अमेरिका यूक्रेन को 40 बिलियन डॉलर यानी 3 लाख करोड़ की मदद कर रहा है, लेकिन एस्टोनिया का साइज और उसकी अपनी हैसियत देखिए तो काया कैलस के देश ने यूक्रेन में रूस को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। काया कैलस की सेना की तरफ से यूक्रेन को जो हथियार भेजे गए हैं, अब वो देखिए। एस्टोनिया ने यूक्रेन को भारी भरकम तोप भेजी है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को एंटी टैंक बारूदी सुरंग भेजी है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल भी भेजी है। यूक्रेन को युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका से जो जैवलिन मिसाइल मिली थी, वो भी एस्टोनिया के रास्ते ही कीव पहुंची थी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की फौज को घेर कर मारने में काया कैलस कितनी दिलचस्पी रखती है। जैवलिन मिसाइल ने रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूस के सैकड़ों बेहतरीन टैंक इसी मिसाइल के शिकार बने हैं। जैवलिन से यूक्रेन को लैस करने का अमेरिका का फैसला इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि काया कैलस ने इस मदद में एक बड़ा रोल निभाया है। जेलेंस्की को मिली हर जैवलिन पर इस वक्त काया कैलस की ही छाप लगी हुई है। मिलिट्री एड प्लेज अ ह्यूज रोल, सो डज ह्यूमैनिटेरियन एड। इन एस्टोनिया वी सी दैट द मोर वी हेल्प, द मोर एस्टोनियन पीपल वांट टू हेल्प। Today, I'm pleased to announce that Estonia will be pledging an additional 2.9 million euros in humanitarian and reconstruction phase funding for Ukraine. लेकिन और भी हथियार हैं जो एस्टोनिया से यूक्रेन पहुंचे हैं। एस्टोनिया ने यूक्रेन को हजारों राइफल और लाखों गोलियां भी भेजी हैं। एस्टोनिया ने यूक्रेन को ग्रेनेड लॉन्चर और हजारों ग्रेनेड भी सप्लाई किए हैं। ये यूक्रेन की इन्फेंट्री का बड़ा हिस्सा बनी हुई है। एस्टोनिया और कई देशों से मिली इस बहुत ही खास मदद को जेलेंस्की भी समझते हैं और ये बात उन्होंने एस्टोनिया की विदेश मंत्री ईवा मारिया से मिलकर भी बताई। Ви першими підтримали Україну з самого початку цієї війни, з самого початку загрози з боку Російської Федерації і підтримали нас як як зброєю, так вашими діями щодо дипломатії, так
पुतिन को ये बात जाहिर है पसंद नहीं आएगी और इसका जिक्र वो 9 मई वाले विक्ट्री परेड में भी कर चुके हैं, जब रेड स्क्वायर पर अपने 11 मिनट के भाषण में पुतिन ने सीधे सीधे अमेरिका और नेटो देशों को यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया था। Планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Повторю, мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников. देखा जाए तो यूक्रेन में जो जंग चल रही है वो ज़ेलेंस्की पूरी तरह बाहरी मदद की बुनियाद पर ही लड़ रहे हैं। अगर नेटो मदद ना करता, अगर एस्टोनिया जैसे छोटे छोटे देश यूक्रेन की फौज का साथ न देते तो ज़ेलेंस्की इस जंग को 2.5 महीने क्या 2.5 हफ्ते भी नहीं खींच पाते। यही वजह है कि काया कैलस ने शुरू से यूक्रेन युद्ध में अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव करने की सलाह दी और बाल्टिक रीजन में भी अमेरिका और नेटो की पेट्रोलिंग पर जोर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि काया कैलस बाल्टिक रीजन में अमेरिका की सेना का ज्यादा से ज्यादा दखल की ख्वाहिश जाहिर की थी। ये ऐसी बात है जिससे पुतिन का गुस्सा तो सातवें आसमान पर आ जाएगा और बाकी आप काया कैलस से उनकी दुश्मनी के लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। रूस की फौज को हमेशा यूरोप ने बहुत शक की निगाह से देखा है और 3 दशक पहले सोवियत संघ के विघटन के बाद से नेटो ने रूस को दबाने के लिए अपनी मेंबरशिप बढ़ाने पर भी लगातार काम किया है। यही वजह है कि बाल्टिक देशों में शुमार एस्टोनिया 2004 में नेटो में शामिल हुआ था और आज भी ये पुतिन की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। काया कैलस की कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी रिपोर्ट अगर पुतिन की मेज पर पहुंचेगी तो यूक्रेन के बाद सबसे पहला निशाना वो एस्टोनिया जैसे देश को ही बनाएंगे। इसीलिए एस्टोनिया के अलावा बाकी बाल्टिक देश यानी लातविया और लिथुआनिया भी पुतिन को शक की निगाह से देखते हैं और वो रूस को लेकर बहुत आक्रामक बने हुए हैं। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड देखने के बाद पुतिन का पतन इस वक्त नेटो और अमेरिका का और बड़ा मकसद बन चुका है, लेकिन इसकी ताजा डिमांड बाल्टिक देश लिथुआनिया से आई है। लिथुआनिया के विदेश मंत्री ने पुतिन के तख्ता पलट की ख्वाहिश जाहिर की है। Not even just Putin, but just the whole regime, because you know one might change, you know Putin might be changed by his, you know, inner circle. But another Putin might rise into his place, and so as long as the regime with intent to wage wars outside Russia's territory is in place, the countries surrounding it are in danger, and if one thing was proven to those who doubted after 2008 in Georgia and 2014 when the first war in Ukraine started, is that Russia is an aggressive country. यूक्रेन का युद्ध इस वक्त कैरेक्टर्स के बीच भी छिड़ा हुआ है। आए दिन ज़ेलेंस्की सेल्फी वाला वीडियो बनाकर रूस के खिलाफ बयान देते हैं, पश्चिमी देशों से मदद मांगते हैं और पुतिन को खरी खोटी भी सुनाते हैं। काया कैलस क्या चाहती हैं या उन्होंने पुतिन की लीडरशिप को लेकर क्या कहा था वो भी देखिए। द टाइम्स ने काया कैलस के बयान का हवाला देते हुए छापा कि अगर रूस की लीडर कोई महिला होती तो ये जंग नहीं होती। यूरोप मस्ट टेक अ लीडिंग रोल इन बिल्डिंग एन इवन स्ट्रॉन्गर यूक्रेन। द एग्रेसर मस्ट आल्सो पे फॉर एवरी ब्रिज, फॉर एवरी हाउस एंड फॉर एवरी बुलेट। टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्ग, टुगेदर वी विल हेल्प यूक्रेन विन। ये सीधे सीधे पुतिन के नेतृत्व वाली काबिलियत पर अटैक कहा जाएगा, उनका मजाक बनाना कहा जाएगा और पुतिन को ये बात बर्दाश्त नहीं होगी।
खैर, यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, पुतिन उसमें बहुत खामोशी से आगे बढ़ रहे हैं। नए नए शहर उनके टारगेट पर हैं, लेकिन ये भी सच है कि एस्टोनिया से मिली शुरुआती मदद ही थी जिसकी वजह से उन्होंने कई मोर्चों पर भारी नुकसान भी उठाया है, और इसी वजह से काया कैलस यूरोप की आयरन लेडी बनकर उभरी हैं। तो आइए अब आपको यहां पर बताते हैं कि आज महायुद्ध का किस तरह से 79वां दिन है। अब आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कहां कहां भीषण जंग जारी है, रूस की सेना यूक्रेन में किस तरह से जबरदस्त हमले कर रही है, और रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े बड़े शहर किस तरह से मौजूद हैं जिन पर रूस पूरी तरह से अपना झंडा लहराना चाहते हैं। हम यहां पर दिखाने जा रहे हैं वो मैप जिसके जरिए आप देख पाएंगे इस पूरी तस्वीर को। आप देख लीजिए इस तस्वीर को, ये पूरा सफेद हिस्सा जो आप देख रहे हैं दरअसल ये यूक्रेन का है। आप देखिए यूक्रेन के कई शहर किस तरह से रूसी सेना के हमले यहां पर झेल रहे हैं, उनका नाम यहां पर जान लेना समझ लेना जरूरी है। मिकोलाइव, जहां पर महातबाही की तस्वीर हम आप तक पहुंचा चुके हैं, ज़ापोरिज़्या उसी में से एक है, इज्यूम, देखिए रूस की सीमा से सटे हुए वो इलाके भी यहां पर देख लीजिए जिसमें इज्यूम है, रुबिज़्ने है, मारियोपोल की तो तबाही हर किसी के सामने ही है, और साथ ही लुहांस और डोनेस्क में भी जिस तरह से भारी तबाही मचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो खासतौर से पूरा जो इलाका है वो रूस का, इसलिए रूसी सेना के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो यहां तक पहुंचे और हमला यहां पर ताबड़तोड़ तरीके से करे। और इसके पीछे यही वजह है कि ये सबसे ज्यादा ऐसे इलाके हैं, ये वो शहर है जहां पर भारी तबाही लगातार मची हुई है, जहां पर यूक्रेन को इस भारी तबाही की वजह से दिक्कतें लगातार झेलनी पड़ रही हैं। तो ये वो यूक्रेन के शहर हैं जहां पर महातबाही की वजह से जिंदगियां त्राहिमाम कर रही है, और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने पुतिन को पूरी दुनिया के लिए सीधे तौर पर बड़ा खतरा बताया है। इस बीच यूक्रेन से सटे देश पोलैंड की तरफ से भी पुतिन पर बड़ा हमला बोला गया है। पोलैंड के पीएम ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हिटलर और स्टालिन से भी ज्यादा खतरनाक बताया। पुतिन पर बिफरे पोलैंड के पीएम, पुतिन पर तानाशाही का आरोप, हिटलर और स्टालिन से पुतिन की तुलना। यूक्रेन का आसमान बारूदी शोलों से सुर्ख है, रूस की सुपरसोनिक मिसाइलों के हमले यूक्रेन के जर्रे जर्रे को तबाह कर देने पर आमादा है, जबकि यूक्रेन की तरफ से भी जबरदस्त पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन में हो रही ये बेहिसाब तबाही रूस के दुश्मनों को मुखर होने का मौका दे रही है। इस कड़ी में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पोलैंड के निशाने पर आ गए हैं। पोलैंड के पीएम मटेउस मोरावियेकी ने पुतिन पर जोरदार हमला बोलते हुए दावा किया कि पुतिन जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर और सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन से भी ज्यादा खतरनाक है। रूसी राष्ट्रपति खतरे से भी बढ़कर है क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार जैसे अत्याधुनिक हथियार है। पुतिन पर निशाना साधते हुए पोलैंड के पीएम यहीं नहीं रुके, उन्होंने पुतिन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुतिन की रूसी दुनिया की विचारधारा 20वीं सदी के साम्यवाद और नाजीवाद की तरह है। ये एक विचारधारा है जिसके जरिए रूस अपने देश के लिए मनगढ़ंत अधिकारों और सुविधाओं को न्यायोचित ठहराता है। पोलैंड यूक्रेन का करीबी देश है, मध्य यूरोप का ये देश जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। यूक्रेन के मददगार देश लगातार पोलैंड के रास्ते ही हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। रूस के यूक्रेन पर लगातार हो रहे हमले पोलैंड को रास नहीं आ रहे हैं, यही वजह है कि पोलैंड के पीएम ने पुतिन की तुलना जर्मन तानाशाह हिटलर और सोवियत संघ के तानाशाह स्टालिन से की है। ये वही तानाशाह हैं जिन पर लाखों लोगों की जान लेने का आरोप है। खुद पोलैंड भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की तानाशाही का शिकार हो चुका है। इतना ही नहीं, सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन पर भी लाखों बेगुनाहों की जान लेने का आरोप है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब रूस के राष्ट्रपति पर तानाशाही के आरोप लगे हैं। जंग की शुरुआत से ही रूस विरोधी राष्ट्र उन्हें इस जंग का विलन बता रहे हैं और राष्ट्रपति पुतिन पर तानाशाही के आरोप लग रहे हैं। और श्रीलंका में जारी आर्थिक तौर पर राजनीतिक संकट के बीच हिंसक प्रदर्शन जारी है। अब तक हुई हिंसा में कई लोगों की जान तक जा चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई नेताओं के घरों को भी अपना निशाना बनाया। कोलंबो में बारिश के बावजूद भी लोग प्रदर्शन करते नजर आए। लोगों में गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू के बावजूद देखिए हिंसात्मक तस्वीरें यहां से सामने आ रही हैं। कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुआ जिसकी तस्दीक करती हुई मौके से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। श्रीलंका के कोलंबो से देखिए क्या
तस्वीरें यहां पर सामने आ रही है और इस हिंसा की वजह से कई लोगों की जिंदगी भी मौत में तब्दील हो चुकी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है कोलंबो श्रीलंका में और जहां हम लोग इस वक्त मौजूद हैं ये ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है जो कि कभी यहां की पहचान हुआ करती थी और एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि ये अब प्रदर्शन स्थल बना हुआ है। लगातार अप्रैल के महीने से जो प्रदर्शन हो रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते वो इसी जगह पर हो रहे हैं और अभी भी जो प्रदर्शन है वो जारी है। हालांकि कल श्रीलंका में राली ने नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है लेकिन उसका असर जो है वो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ नए प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली है लेकिन लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि लीडरशिप में बदलाव हो और लगातार जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ बारिश होती जा रही है बावजूद उसके ये प्रदर्शन स्थल खाली नहीं है। एक दो ही सही लोग यहाँ पर लगातार मंच पर बने हुए हैं। इनका कहना है कि ये लड़ाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर है, लड़ाई तंत्र के खिलाफ है और ऐसे में जब तक लीडरशिप पूरी जड़ तक नहीं बदली जाती तब तक लोगों के प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विमल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, कोलंबो श्रीलंका। और एक तरफ श्रीलंका के कई शहरों में हिंसा का प्रदर्शन हो रहा है तो वहीं पेट्रोल डीजल की किल्लत की वजह से भी लोग बेहद परेशान हैं। पेट्रोल पंपों के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही है। श्रीलंका के वेलिसार से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां पेट्रोल डीजल लेने के लिए पेट्रोल पंप के बाहर करीब 5 किलोमीटर तक लंबी कतार दिखाई दी। 5 किलोमीटर तक यहाँ पर ये लाइनें लगी हुई है। आप देखेंगे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपनी गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अभी तक रिफिलिंग का काम चल रहा है और इस पूरी सड़क पर जहाँ जहाँ आप जाते जाएंगे वहाँ वहाँ आपको वाहनों की लंबी कतार नज़र आएगी। गाड़ियाँ हो, बाइक हो, तमाम लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ यहीं ज़मीन पर बैठ गए हैं जिनको मालूम है कि समय ज़्यादा लगना है। आप चलते चलते देखेंगे कि पीछे तक जहाँ तक फ्लाईओवर नज़र आ रहा है उसके भी आगे तक इसी तरीके से गाड़ियों का की जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं। सबसे बड़ा संकट फ्यूल को लेकर है। डीजल तो ज़्यादातर जगहों पर मिलना ही बंद हो चुका है। इक्का दुक्का जगह है जहाँ पर डीजल मिल रहा है और ये लंबी कतारें जो फिलहाल आप देख रहे हैं ये सारी पेट्रोल के लिए आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ जहाँ तक अब हम चलते जा रहे हैं वहाँ तक आप देखेंगे कि सारी गाड़ियाँ केवल इंतज़ार कर रही हैं कि ये इनकी गाड़ियों में पेट्रोल डले तो ये काम करें। इसके साथ ही अगर बात करें तो श्रीलंका में दिन के 2 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू भी लगा हुआ है जिसमें लोगों की आवाजाही पूरी रूप से बंद है लेकिन यहाँ इंतज़ार करते हुए लोग आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं जो कि पेट्रोल का फिलहाल यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से जो क्राइसिस है श्रीलंका में वो देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लोग घंटों इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी गाड़ी में थोड़ा फ्यूल डलवा पाएँ। फ्यूल प्राइसेस की अगर बात करें तो ट्रिपल से ज़्यादा अभी फ्यूल प्राइसेस यहाँ पर चल रहे हैं। जैसे कि अगर 80 श्रीलंकन रुपये उसके लगभग जो पेट्रोल हुआ करता था, 100 रुपये के तकरीबन जो पेट्रोल बिकता था यहाँ श्रीलंकन रुपीज़ में, वो यहाँ पर अब 350 रुपये लीटर मिल रहा है, यानी कि 3 गुना 4 गुना मिल रहा है। और उसके लिए भी लोगों को इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है कि लोग गाड़ियाँ लगा कर छोड़ कर आ देख रहे हैं गाड़ियों में। किसी में कुछ आपको लोग नज़र भी आएंगे, कुछ लोग गाड़ियां अपनी लगाकर छोड़कर आगे की तरफ बढ़ गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी। इसी तरीके से जो गाड़ियों की लाइन है वो इस वेलिसारा जगह में तकरीबन 5 किलोमीटर की दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विमल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, वेलिसारा, श्रीलंका। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल अपनी तीसरी वर्षगांठ यहां पर मना रही है और साथ ही रोजाना सिर्फ एक उन्होंने पीछे खदेड़ दिया। काफी दिनों तक यहाँ पर लड़ाई चली, कई सारे लोग मारे गए लेकिन रूसी सेना यहाँ से वापस लौट गई। यहाँ पर आसमान से भी हमला हो रहा था और जमीन से भी हमला हो रहा था। यूक्रेन के सैनिकों का जज्बा है जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो फिर से खड़े हो गए हैं, युद्ध में बने हुए हैं।
यूरोप में एक युद्ध खत्म नहीं हुआ कि दूसरा युद्ध जो है उसकी अटकलें और तेज हो गई है। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध अभी तक जारी है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो वहीं फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने की प्रक्रिया तेज कर दी है और इसके साथ ही फिनलैंड बॉर्डर पर हलचल भी तेज हो गई है। रूस ने एक बार फिर फिनलैंड और स्वीडन को धमकी भरे अंदाज में नेटो में शामिल नहीं होने की चेतावनी दी। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या जिस तरह से ये पूरा मंजर सामने आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं एक और महायुद्ध शुरू होने वाला है? मई में महायुद्ध का दूसरा मोर्चा खुलने वाला है। फिनलैंड स्वीडन पर रूस हमला करेगा। नेटो देगा ऑर्डर, रूस की सेना पहुंचेगी फिनलैंड बॉर्डर। बाद अब फिनलैंड बॉर्डर पर हलचल तेज होने वाली है। स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की तैयारियों की वजह से पुतिन की सेना फिनलैंड बॉर्डर पर पहुंचने वाली है। क्योंकि फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन करने के पक्ष में सामने आ गए। साथ ही बहुत हद तक संभव है कि आने वाले दिनों में स्वीडन भी नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन कर दे। अभी ये देश नेटो के लिए आवेदन ही कर रहे हैं, उससे पहले ही अमेरिका दोनों देशों के समर्थन में खड़ा हो गया है। वॉशिंगटन ने एक तरह से दोनों देशों को नेटो में शामिल करने की हरी झंडी दे दी है। इसके बाद मॉस्को में हलचल तेज है। क्रेमलिन की ओर से इस संबंध में कड़ी आपत्ति जताई गई है। रूस की ओर से धमकी भरी प्रतिक्रिया आई। रूस की ओर से चेतावनी देते हुए कहा गया है कि उसे जवाबी कदम उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, फिनलैंड का यह कदम निश्चित तौर पर दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचाएगा। इसके साथ ही उत्तरी यूरोप में सुरक्षा और स्थायित्व की स्थिति भी प्रभावित होगी। फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि देश को नेटो की सदस्यता के लिए तुरंत आवेदन करना चाहिए, इसके लिए देर नहीं करनी चाहिए। Joining NATO would be not against anybody. We would like to maximize our security. It is not a zero sum game. If Finland increases its security, it's not away from anybody else. फिनलैंड ने ये बात इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के सामने कही। जॉनसन ने भी फिनलैंड को पूरी मदद का भरोसा दिया। Will not accept anywhere the changing of boundaries in Europe. बोरिस जॉनसन का दुनिया में मैसेज क्लियर है, फिनलैंड के पीछे अमेरिका और ब्रिटेन खड़ा है। यूरोप में नेटो अपना विस्तार उस वक्त कर रहा है जब रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में फंसा हुआ है। 11 हफ्ते के युद्ध में रूसी सेना यूक्रेन में बहुत सफलता नहीं पा सकी है। रूसी सेना लड़ाई में थक चुकी है और पुतिन के लिए युद्ध का दूसरा मोर्चा खोलना अभी आसान नहीं होगा। ये सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि फिनलैंड और रूस पड़ोसी देश हैं। फिनलैंड और रूस के बीच 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर होता है और रूस कई बार फिनलैंड को क्लियर कर चुका है कि अगर फिनलैंड
नेटो की तरफ गया तो रूस के पास पावर रिस्टोर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। रूस ने इतना तक कह दिया है कि फिनलैंड के बॉर्डर पर न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तक की तैनाती कर दी गई है। रूस ने फिनलैंड को बर्बाद करने की धमकी तक दी है, लेकिन इसके बावजूद फिनलैंड नेटो की उंगली पकड़ने के लिए तैयार है, लेकिन रूस की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि साल 1939 में सोवियत संघ ने फिनलैंड पर हमला बोला था। 3 महीने तक फिनलैंड और सोवियत संघ में युद्ध चला था। युद्ध में फिनलैंड की सेना को काफी नुकसान हुआ। फिनलैंड ने यूएसएसआर को भले ही रोक दिया, लेकिन उसने अपनी 10% जमीन खो दी। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले के बाद फिनलैंड डर गया है और वो नेटो में शामिल होने की तैयारी कर चुका है। अब सबकी नजर रूस पर है। अगर रूस ने फिनलैंड और स्वीडन के खिलाफ मोर्चा खोला तो यूरोप एक और युद्ध की आग में जल जाएगा।